हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बायो स्टडी चैनल। अध्याय दो का जीव जगत का वर्गीकरण का अगला पार्ट है प्रोटिस्टा जगत। कक्षा 11 का अगला टॉपिक हमारा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत पर आज हम स्टडी करेंगे, तो बच्चों अच्छे से आप समझिएगा। आपको साथ में नोट्स भी बनाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। देखिए, प्रोटिस्टा जगत के बारे में व्हाइटेकर वैज्ञानिक ने जो पंच जगत अवधारणा दी थी, उनमें सेकंड आपका प्रोटिस्टा जगत है। मोनेरा जगत के बारे में आप पढ़ चुके हो। देखिए गाइज, प्रोटिस्टा जगत में यूकेरियोटिक टाइप के जीव आते हैं, जिसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, अवपंख, कवक और प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोटिस्टा जगत है, इसमें किस तरह का केंद्रक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में सुसंगठित केंद्रक होता है, साथ में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा कि यूकेरियोट्स जो भी प्राणी होते हैं, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। साथ में प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, उसमें कशाब और पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ये जो जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं, उनमें अलैंगिक जनन, कोशिकीय संलयन, युग्मनज यानी जायगोट बनने की विधि के द्वारा ये लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले क्राइसोफाइट में डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं, यानी सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं, जल की धाराओं के साथ ये बहते हैं। डायटम्स जो होते हैं, कई जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो कणमय मृदा इनकी इकट्ठी हो जाती है, पर जम जाती है। डायटमी मृदा का यूज कई जगह होते हैं, जैसे कि पॉलिश करने में, ऑयल में, सिरप के निसंयंदन में इस डायटमी मृदा का उपयोग होता है। गाइस ध्यान रखिएगा कि डायटम्स जो होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो साबुनदानी की तरह आच्छादित कवच बनाती है। ये जो डायटमिक कंडीशन है, ये मृदा के रूप में होती है, यानी कि इनकी भित्तियों में सिलिका होती है। इसी कारण से ये नष्ट नहीं होते, जहां भी रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां पर ये अवशेष के रूप में बहुत सारी जो है मिट्टी नुमा स्ट्रक्चर डायटमी मृदा छोड़ जाते हैं। कणमय होती है इनकी मृदा, इसीलिए इसका यूज किया जाता है पॉलिश में, ऑयल्स में। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। गाइस, डायनोफ्लैजिलेट्स यानी फ्लैजिला यानी कशाब, डायनो यानी कि टू। देखिए, ये जो जीवधारी होते हैं, समुद्री होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के ये दिखते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, इसकी बाहर जो सतह होती है, उस पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है, और ये जो कड़ी पट्टिकाएं होती है, इसी कारण आप एक डायग्राम देखिए, पीछे ये जो डायग्राम नीचे बना हुआ है डायनोफ्लैजिलेट का, इसके ऊपर ये कड़ी पट्टिकाओं का एक आवरण है, और ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसमें ये जो है कशाब होते हैं। गाइस, जो कशाब होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि दो कशाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत होता है और एक अनुप्रस्थ होता है, यानी कि एक तो इसकी संरचना के साथ साथ लंबा होता है और एक जो आपको दिख रहा है ये अनुप्रस्थ होता है। तो इसकी भित्ति पट्टिकाएं होती है, इनके बीच में खांच उपस्थित होती है, ग्रूव्स बनी हुई होती है, इसलिए स्ट्रक्चर में आपको दिख भी रही थी। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है, यानी कि बहुत संख्या बढ़ा लेते हैं, इसीलिए ये जो जल होता है उसका लाल रंग कर देते हैं, लाल तरंगे दिखने लगती है समुद्री जल की। गाइस, इनकी संख्या यदि ज्यादा हो जाती है और ये विस्फोटक कंडीशन में होते हैं, तो इनके इन जीवों से विष निकलता है, जो कि जो जलीय जीव होते हैं, मछली और समुद्री जीव, उनके लिए ये घातक होते हैं, वे जीव मर जाते हैं। नेक्स्ट है युग्लिनॉइड। युग्लिना का नाम आपने सुना होगा। ये जो जीव होते हैं, ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो कि स्टेबल जल में, स्थिर जल में भी पाए जाते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति की जगह इन पर एक परत होती है, उस परत का नाम होता है पेलिकल। क्या नाम होता है इस परत का? पेलिकल नाम होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है, यानी बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल कर देती है, एकदम जो है लचीला बनाती है। इनमें दो कशाप होते हैं, जो कि छोटा और एक छोटा होता है और एक लंबा होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन यदि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो ये जीवधारियों का शिकार करके परपोषी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से युगलीना में पाए जाने वाले वर्णक, यानी जो पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं, वो जो प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं उनके समान डेवलप टाइप के पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है युगलीना, जैसा कि मैंने बताया कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और पिगमेंट्स की अनुपस्थिति में ये शिकारी प्रवृत्ति अपनाते हैं, परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है युगलीना, इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है अवपंक कवक। नाम आपको बिल्कुल कवक का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि जो कवक प्राणी होते हैं ये मृतपोषी होते हैं। गाइज, इनके शब्दों पे बिल्कुल गौर करिएगा कि मृतपोषी यानी कि मृत जीवों से अपना, सड़े गले पदार्थों से अपना जो है भोजन बनाते हैं, जैविक पदार्थों का ये भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये कॉलोनी के रूप में या समूह बना लेते हैं, जो काफी लंबे समूह हो सकते हैं, और जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां आती है ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, एकदम बॉलनुमा स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं, कंप्लीट बॉल की तरह बना लेते हैं, जिससे ये उसमें ये अपनी सुरक्षा करते हैं। इन बीजाणुओं का प्रक्षेपण वायु के साथ होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये वायु के साथ जाते हैं। जैसा कि आप इनकी कॉलोनी को देख रहे हो, ये अवपंक कवक की कॉलोनी है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। जैसे कि प्रोटोजोआ की बात आती है, प्राणियों के पुरातन संबंधी कहे जाते हैं प्रोटोजोआ। परपोषी प्रवृत्ति के होते हैं, परभक्षी और परजीवी के रूप में ये रहते हैं। प्रोटोजोआ को चार समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं स्वच्छ जलीय, समुद्री जल में भी रहते हैं, नम मृदा में भी पाए जाते हैं। साथ में प्रोटोजोआ का नाम आते एक आपको ध्यान रखना है कि कूटपाद की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। बच्चों, कूटपाद यानी अमीबा में बनने वाले पैरनुमा स्ट्रक्चर जो कि बनते बिगड़ते रहते हैं, ये होते हैं कूटपाद, जिनकी सहायता से अपने शिकार को ये पकड़ते हैं। समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, इनमें कुछ है जैसे कि एंट अमीबा पैरासाइट। इसके बाद नेक्स्ट है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। नाम से समझिए आप, पक्षमाभ पाए जाते हैं बॉडी पर, बाल जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, पूरी बॉडी पर बाल जैसी रचनाएं होती है, ये होते हैं पक्षमाभ। सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ यानी सिलिया पाए जाते हैं, और एक कैविटी पाई जाती है जो कि कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की जो लयबद्ध गति होती है, इससे क्या होता है कि बॉडी के जो अंदर का जो मटेरियल होता है, भोजन होता है, वो धकेला जाता है लयबद्ध गति कारण, यानी कि इनमें जो पक्षमाभ है उनमें जो मोटाइल कंडीशन में रहते हैं, भोजन को भी आगे ये खिसका देते हैं। एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, जो चप्पल के आकार का प्राणी आपके सामने है, ये पैरामीशियम होता है। इसके बाद है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन इसमें होता है, बीजाणु बनता है, यानी कि इसमें ऐसी घातक अवस्थाएं हैं जो कि बीमारियां पैदा कर सकती है। इसका एग्जाम्पल है मलेरिया पैरासाइट। ये इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, यानी ऐसे स्पोर्स बनते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने में। प्लाज्मोडियम का नाम बहुत आगे है, गाइस ध्यान रखिएगा, मलेरिया पैरासाइट जो है ये प्लाज्मोडियम, ये इसी स्पोरोजोआ
समूह का सदस्य है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और कंटिन्यूअस रखें आप जो है क्लास 11 की वीडियो हमारे चल रहे हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।